कर नहीं रहा, वैसे घिस घिस के खत्म हो गया। तो सोच रहे थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं जहाँ से शार्प हुआ है, बाकी छोड़ देते हैं क्योंकि वेदू के नहलाने में थोड़ा बहुत पड़ जाता है। तो नवरात्रि में सबसे पहला काम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केटीआर डेली लाइफ। और जैसा कि कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं तो आज बहुत सारा काम है जो कि हम लोगों को निपटाना है। लास्ट टाइम भी तो मैं नहीं कर पाई थी, रीज़न आपको भी पता है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, आज सारे लोगों के नेल्स कटिंग हो जाएंगे, हेयर्स कटिंग हो जाएंगे क्योंकि नवरात्रि भर नेल्स नहीं काटे जाते हैं। तो वेदू का भी करना है तो थोड़ा सा हेयर ड्रेसिंग भी करा देंगे वेदू का। तो छोटे वाले को फ़ोन किया मैंने ताकि वो बार बार कॉल कर दे, वो घर पे ही आके कटिंग कर दे क्योंकि अब तो पॉसिबल नहीं है इनको ले जाके कहीं कटिंग करवाना। और मैं चलती हूँ पूजा वगैरह कर लेने आज का, उसके बाद से साफ़ सफ़ाई होगी। तो जैसा कि मैंने मैक्सी ड्रेस पहना हुआ ताकि मुझे साफ़ सफाई करने में प्रॉब्लम ना हो, और थोड़ा सा माथा में मेहंदी देंगे आज। तो सारी चीज़ें आज कंप्लीट करेंगे, तो आज हमारे पास ह्यूज अमाउंट में काम है। चलते हैं देखते हैं सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं रोटी बनाने क्योंकि बाकी सारे लोग तो नाश्ता कर लिए, मेरा नाश्ता बाकी है। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लूँ और उसके बाद कुछ करेंगे। तो ये मैंने मेहंदी घोल के रख दिया, इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और मेहंदी मिला के इसको हम लोग चूल्हे में देंगे। इसको साइड रखते हैं सबसे पहले, और इस साइड पर आज लंच में देखते हैं क्या कुछ हल्का फुल्का ही बनेगा। बहुत दिनों से ऐसा सा खा खा के मूड, आज ऐसा ही कुछ बनाया जाएगा कि जैसे कल आलू दम पूड़ी बन गया सुबह में। तो ये सारी चीज़ें हैवी हो जाती हैं मेरे लिए खासकर, बाकी लोगों का तो नहीं पता। तो फटाफट नाश्ता बना लेना, बिस्तर भी धूप में देना है जो कि निकाल के बाहर रख दिया मैंने चूल में। जैसा कि मेहंदी लग गई मेरे, तो अभी लगाने के साथ साथ चलेंगे हम लोग कोने की सब्जी बनाने, कोने की क्या बोलते हैं कद्दू की सब्जी बनाने। तो वो बना देंगे माँ के लिए, फिर कटहल की सब्जी बनाएंगे और चावल चढ़ा दिए एक साइड में। तो सबसे पहले तो नवरात्रि के 9 दिन नाखून नहीं काटा जाता है, और जहाँ तक पॉसिबल हो वेजिटेरियन खाना खाएं। पॉसिबल क्या, ये वेजिटेरियन खाना ही खाया जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं इनके सारे नेल्स मैंने काट दिए, मैंने पेन से कुछ लिखा हुआ यहाँ पे, तो क्लीन हो गए। जगे रहने भर में तो ये अपना नेल्स काट ही नहीं देंगे। अब चलते हैं हाथ के तरफ, इनके सारे हाथ के नेल्स क्लीन कर लेंगे, मतलब इनको नहला धुला के सुला, देख सकते कैसे इनके साफ़ करेंगे, सारे नेल्स कटिंग करेंगे। जैसा कि वेदू के नेल्स कट गए तो अब हम लोग अपना नेल्स काटेंगे। और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में, मतलब बचपन से जो सीखा है वही जानते, चूल नहीं कटवा, मतलब हेयर कटिंग नहीं करानी चाहिए, नेल्स नहीं काटनी चाहिए। और इसमें माँ भगवती का श्रृंगार होता है, तो औरतों को श्रृंगार से भी बचना चाहिए। मतलब सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, ये चीज़ें आप तो यूज़ कर सकते हैं, बट नई कोरी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। एक तो ये खरमास भी रहता है तो इसकी वजह से नई चीज़ें नहीं होती हैं। तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिन ऐसा करना चाहिए कि नए कपड़े ना पहने, नई चूड़ियाँ ना पहने, नए सिंदूर की डिब्बी ना खोले, जो भी नई चीज़ें हैं वो माता के श्रृंगार में यूज़ करें, तो ऐसा माना जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जो जो चीज़ें हम लोगों से परहेज हो सकती है वो करें फिलहाल। और वेदू के नेल्स देख सकते हैं वो टूट जा रहे हैं, 2-3 उंगलियाँ और बची हुई हैं, उसको कटिंग कर ले फिर अपने पे आएंगे। मेरा तो घिस घिस के ही ख़त्म हो गया रहता है, काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट फट गया रहता तो उसके लिए वेदू को ना लग जाए इसके वजह से काटना पड़ता। तो माँ है, माँ का कटिंग होगा, मेरा होगा, उसके बाद से मैं आगे भी बताऊँगी कि क्या कर सक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं, 9 दिन तो मेरे यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन ये बंगाल है, यहाँ अधिकतर लोगों के यहाँ बनता है, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। बट और माँ आएंगी तो माँ के को साथ में लेके मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है 9 दिनों में। बिस्तर भी दिया गया है धूप में सूखने के लिए, तो बारिश का भी सीज़न चल रहा है थोड़ा सा, तो बारिश आने वाली थी तो पहले ही हटा लिया गया अच्छे तरीके से। 3 टे ठीक है, तो अब बिस्तर भी लगाना बाकी है, मतलब सारी चीज़ें धुल उल गई हैं, एवरेज सिर्फ पर्दे बाकी हैं, बाकी मच्छरदानी वगैरह बेडशीट वगैरह सब वो तो हमेशा धुलता रहता है क्योंकि कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, हर दूसरे दिन धुलना पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, सारे कपड़े धुले हुए, कोई कपड़ा ऐसा नहीं है जो पहना हुआ रखा है, ब्लैंकेट वगैरह सारे धुल गए, एक ब्लैंकेट बचा हुआ, तो उसका नंबर देखते कब तक आता है। तो कोई भी घर में ऐसा कपड़ा ना रखें जो यूज़ किया हो, मतलब पहना हुआ हो, सारे कपड़े धुले साफ़ सुथरे होने चाहिए, मतलब नवरात्रि में विशेष 9 दिन साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो मान्यता ये है कि जितना अच्छा साफ़ सुथरा घर रहता है, देवी का वास, लक्ष्मी का वास सबका होता है, अगर उसमें घर में गंदगी रहे, मांस मदिरा रहे, तो वो अशुद्ध माना जाता है और वहाँ देवी वास नहीं करती। तो इसके लिए देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवी का आगमन कराने के लिए घर को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं फिर वेदु का एक हाथ का एक दो नाखून बचा हुआ, अब जैसे जहाँ मौका मिल रहा है गुरु। तुम्हारे पास क्या है? हाथी है, घोड़ा है, और क्या है? हाथी। हाथी, और ये क्या है? एक जिराफ। जिराफ है, और ये क्या है? बेतुआ। ये डायनासोर है, डायनासोर। हाँ डायनासोर। हाँ। कहाँ से लेके भागे हो तुम? स्कूल में से। हाँ। कैसे भागे हो लेके? दौड़ के लेके भागे। हाँ। तो चोरी करना गलत बात है ना? चोरी नहीं करना चाहिए, ले जाके कल मैडम को वापस कर देना, ठीक है? हाँ, सारा ले जाके दे देना। नहीं। दे नहीं, कहे नहीं दे? चूहा। चूहा नहीं, डायनासोर। डालो तो। हाँ डायनासोर। तो तुम्हारा ही तो काटा है ना? काटा तिया, दुखा ही ले लीजिएगा। बैठो यहाँ पे बैठ। नहीं मम्मी मार। मम्मी मार क्या? मन मार रहे तेरे मम्मी के। अरे मम्मी मार तुम्हारा, छोड़ दो। मार क्यों रहे हो? दादी के नाखून तो काट रहे हैं। छोड़ दो। नाखून तो काट रहे दादी के। काट। सबका नाखून क्यों कटवाओगे? मेरा नाखून नहीं है। वो जिराफ नहीं है, तीनों तीनों उसको दे दीजिए, उसके बाद से पूछिए लो कि क्या क्या है, तो बताएगा क्या है। क्या है? क्या है? हाथी का दाना तो। हाथी दाना शुरू। हाथी डायनासोर कैसे बोलता है बेटा? मेरी बारी आ गई, माँ का हो गया, मेरा हो गया, तो हम अपना नेल काट लेंगे। काटने का तो मन कर नहीं रहा, वैसे घिस घिस के खत्म हो गया, तो सोच रहे थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं जहाँ से शार्प हुआ, बाकी छोड़ देते हैं क्योंकि वेदू के नहलाने में थोड़ा बहुत पड़ जाता है। तो नवरात्रि में सबसे पहला काम नेल कटिंग ना करें, दूसरा काम हेयर कटिंग ना करें, तीसरा काम रहता है कि कोई भी चीज़ का तड़का नहीं लगाना रहता, मतलब हम लोगों में चैती छठ होता है तो उसके लिए भले बनता है प्रसाद, लेकिन उसके अलावा कोई पकौड़ा पकौड़ी नहीं बनता, तो आज शाम को हम लोग पकौड़ी बना लेंगे क्योंकि 9-10 दिन पकौड़ी मिलने वाला नहीं, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। और क्या नहीं होता है? मांस मदिरा का सेवन नहीं होगा घर में, ये सारी चीज़ें रखी नहीं जाएंगी, जितना होगा सब क्लीन कर लिया जाएगा, कपड़े गंदे कपड़े नहीं रहेंगे 9 दिन तक घर में, पर डे का कपड़ा पर डे हटा देना रहता है, तो इस तरीके से 9 दिन यही सारी चीज़ें वर्जित रहती हैं, बाकी कुछ खास नहीं रहता। सर में तेल वगैरह रखना मना रहता है, मतलब सरसों का तेल माथा में देना ये मना रहता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो नई यूज़ नहीं होती है, नया कुछ भी यूज़ नहीं करता। तो ये एक मैक्सी ड्रेस था मेरा, तो मैंने सोचा कि आज पहन लेते, हो सकता है 9 दिन में कपड़े भी सुबह और शाम दोनों समय चेंज करने रहते हैं, तो एक एडिशनल रहेगा मेरे पास तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें इंसान कंफर्टेबल रहता है और यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि मतलब माथा ख़राब हो जाता है। तो पूजा का मैंने सारा ये बास्केट वगैरह धो दिया है, अब डब्बा वगैरह जो धुला हुआ था उसको उसमें रख के ठीक कर लेना है सारी चीज़ें। अब माँ कुछ मंगाएंगी शाम को, कपूर वगैरह जो नहीं है उसको कर लिया जाएगा। नेल कटिंग मेरा हो गया, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा। बनेगा पकौड़ी, तो एक तरफ चाय चढ़ा दी, एक तरफ पकौड़ी बना दी, क्योंकि 10 दिन फिर पकौड़ी मिलने वाला है,
एक गिफ्ट भी आई है, तो ऐसे टाइम पे अच्छे टाइम पे आ गई तो चलो हम लोग पकौड़ी चाय बना देते, तो आगे पीछे आती तो फिर सारा चीज फिनिश्ड हो जाता। तो माँ को जो पकौड़ी पसंद है उसका तो आपको पता ही है, सिर्फ बेसन लपेट से मिक्सर डाल के चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। हल्दी नमक हल्दी नमक कहाँ है, ये हल्दी ये नमक, फटाफट खोलते हैं बनाते हैं चाय, पकौड़ी लेके चलते हैं सर्व करने। मिर्चा तो अपने लिए हम लोग बनाएंगे प्याजी, मतलब प्याज की पकौड़ी। मुझे ये उतना पसंद नहीं आता लेकिन माँ को पसंद है, इसकी वजह से हम लोग बनाते। बेसन तो ठीक ठाक है, हाँ है, दही लगता है। एक तरफ चाय हम लोग को निकलने के लिए निकलने में आ गया। देखा जाए तो जो कढ़ी बड़ी बनता है वही रेसिपी है। एक दिन तो मैंने बनाया था, शायद मैंने वही रेसिपी आपके साथ कढ़ी बड़ी वाली शेयर नहीं की, तो बुधवार को हो सकता है, मैं बुधवार तो कर लिए, तो कल तो मेरा फास्ट रहेगा, कल मैं नहीं बनाऊंगी। तैयार हो गई फटाफट, चाय ठंडा हो गया, अब हम और माँ एक ही साथ खाएंगे लग रहा है। तो ये खाना खा चुका, जल्दी हम लोग अपना नाश्ता करने।